यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर दोनों सदनों में श्वेत पत्र पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र किया पेश। श्वेत पत्र पर 2004 की दुरुस्त अर्थव्यवस्था से 2014 में सुस्त अर्थव्यवस्था तक के सफर का जिक्र। श्वेत पत्र में गिनाए गए यूपीए के 15 बड़े घोटाले। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटाक्ष। कहा, देश की प्रगति पर काला टीका है ब्लैक पेपर। पीएम ने राज्यसभा में सांसदों की विदाई भाषण में मनमोहन सिंह का भी किया जिक्र। कहा, लोकतंत्र की जब चर्चा होगी याद किए जाएंगे मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद की 150वीं जन्म जयंती के मौके पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का किया जारी। कहा, हम राष्ट्र को देव मानकर देव से देश का विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और विपक्षी गठबंधन पर भाजपा का करारा हमला। कहा, INTI अलायंस भ्रष्टाचारियों का गठबंधन और कांग्रेस भ्रष्टाचार की है जननी। कहा, ईडी के डर से थर थर कांप रहे हैं अरविंद केजरीवाल। केरल के मुख्यमंत्री के प्रदर्शन पर भाजपा हमलावर। प्रदर्शन को बताया असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिक ड्रामा। देश को उत्तर दक्षिण में बांटने का भी लगाया आरोप। और ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 6.50% पर रखी बरकरार। भारतीय अर्थव्यवस्था का शानदार प्रदर्शन जारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका, और इसी के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर लोकसभा में आज श्वेत पत्र पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र पेश किया। इस श्वेत पत्र पर 2004 से 2014 के दौरान यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों में मौजूद रही खामियों का जिक्र किया गया है। श्वेत पत्र में यूपीए के 15 बड़े घोटाले भी गिनाए गए हैं। अब आने वाले कल लोकसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा होगी। पेपर टू बी लेड टेबल ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। Sir, I rise to lay a white paper on the Indian economy, both in Hindi and English versions. और चलिए अब जानते हैं कि आखिर श्वेत पत्र की बड़ी बातें क्या कुछ हैं। दरअसल सरकार ने 59 पेजों का ये श्वेत पत्र जारी किया है और 2004 की दुरुस्त अर्थव्यवस्था से 2014 में सुस्त अर्थव्यवस्था तक के सफर का जिक्र इस श्वेत पत्र में किया गया है। और वहीं आपको बता दें कि यूपीए सरकार को स्वस्थ अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, उसका जिक्र इसमें किया गया है। यूपीए ने 10 साल में इसे नॉन परफॉर्मिंग बना दिया है। यूपीए के कार्यकाल में बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग असेट में इजाफा हुआ है। यूपीए सरकार के बेलगाम राजकोषीय घाटे ने अर्थव्यवस्था को राजकोषीय संकट की ओर धकेला है। यूपीए के दौरान केंद्र सरकार की बाजार उधारी में भी इजाफा हुआ। सामाजिक क्षेत्र की कई योजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में धन खर्च नहीं किया गया। सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी ने अर्थव्यवस्था को पीछे धकेला है। एक के बाद एक घोटालों ने अर्थव्यवस्था को और जर्जर किया। नीतिगत खामियों ने भी संकट को और गंभीर किया। तमाम परियोजनाओं में भी विलंब हुआ। महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करने में यूपीए सरकार विफल रही। निवेश के माहौल को हतोत्साहित करने के कारण विदेशी निवेशक भी दूर हुए। यूपीए सरकार में नेतृत्व का अभाव रहा है। आर्थिक कुप्रबंधन ने विकास की क्षमता को कमजोर किया है। आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से भारत एक नाजुक अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। साल 2014 में मोदी सरकार आने के बाद हालात बदले। 2014 में मोदी सरकार ने शुरू की सुधारों की पूरी प्रक्रिया। सरकार ने काले धन का पता लगाने और
ऐसी व्यवस्था को हतोत्साहित करने के लिए अहम कदम उठाए। और वहीं श्वेत पत्र में यूपीए की 15 बड़े घोटालों को दिखाया गया है, और वो 15 घोटाले कौन से हैं वो भी आपको बताते हैं, जिसमें सबसे नंबर एक पर है कोयला आवंटन ब्लॉक आवंटन घोटाला, 2G टेलीकॉम घोटाला, शारदा चिटफंड घोटाला, उसके बाद INX मीडिया घोटाला, और उसके बाद में एयरसेल मैक्सिस डील घोटाला, एंट्रिक्स देवास डील घोटाला, जो 15 बड़े घोटाले इसमें दिखाए गए वो आपको बता रहे हैं, नौकरी के लिए जमीन घोटाला, उसके बाद में पंचकुला गुरुग्राम में प्राइम लैंड का आवंटन घोटाला, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला, एम्ब्रेयर डील घोटाला जिसका जिक्र इसमें किया गया, पिलाटस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट घोटाला, हॉक विमान खरीद घोटाला जो यूपीए सरकार में हुआ, और वहीं आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला इसका भी जिक्र इसमें किया गया है, और साथ ही अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला। तो ये वो 15 बड़े घोटाले जो इस बार श्वेत पत्र में गिनाए गए हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं यूपीए और एनडीए सरकार की अर्थव्यवस्था में क्या तुलनात्मक अंतर है, वो आपको दिखाते हैं। यूपीए के टाइम में मुद्रास्फीति 8.2% थी, जो कि एनडीए के टाइम पे मुद्रास्फीति 5% हुई। यूपीए के टाइम पे पूंजीगत व्यय 1.7% था और एनडीए के टाइम पे पूंजीगत व्यय 3.2%। यूपीए के समय पर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात $7.6 बिलियन ही था, जो कि एनडीए के समय में बढ़कर $22.7 बिलियन हो गया। यूपीए के टाइम पे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश था मात्र $305 बिलियन, जो कि एनडीए के टाइम पे $596.5 बिलियन हुआ। बहुआयामी गरीबी यूपीए के समय पर 29.2% थी, जो कि एनडीए के समय में घटकर 11.3% ही रही। उसके बाद में अप्रत्यक्ष कर दर 15% था, जो कि एनडीए के समय पर घटकर 12.2% हो गया। स्टार्टअप की अगर बात करें तो यूपी के समय पर 350 ही स्टार्टअप थे, लेकिन एनडीए के समय में 117,257 स्टार्टअप। मेट्रो वाले शहर 5 थे यूपी के समय पर, लेकिन आज की तारीख में अगर बात करें तो एनडीए के समय में 20 मेट्रो वाले शहर अब हो चुके हैं। वहीं नेशनल हाईवे लंबाई का निर्माण 25,700 किलोमीटर था, जो कि एनडीए के समय में 54,000 किलोमीटर रहा। विद्युतीकृत रेल नेटवर्क 21,800 किलोमीटर, जो कि एनडीए के समय बढ़कर 60,800 किलोमीटर हुआ। तो कितना अंतर है यूपी और एनडीए में, वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। हवाई अड्डे 74 थे पहले और अब 149 हवाई अड्डे हैं एनडीए के समय पर। मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो 387 थे यूपीए के समय पर, जो कि अब एनडीए के समय पर 706 हो चुके हैं बढ़ करके। पीएनजी कनेक्शन की अगर बात करें तो यूपीए के समय पर मात्र 22.3 लाख पीएनजी कनेक्शन थे, जो कि अब एनडीए के समय में बढ़कर 119 लाख हो चुके हैं। एलपीजी कनेक्शन की अगर बात करें तो यूपीए के समय पर एलपीजी कनेक्शन 14.5 करोड़ थे और एनडीए के समय में ये बढ़कर 31.4 करोड़ हो चुके हैं। तो लगातार किस तरीके से इजाफा हुआ है वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं तुलनात्मक तरीके से। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। साल बरस और सदी नहीं एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। लड्डू और यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI,
देश का फैन। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आस पास के भोले को बचाएं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां श्रील प्रभुपाद जी की 150वीं जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम में आज हिस्सा लिया। 20वीं सदी में श्रील प्रभुपाद ने वैष्णव अध्यात्म का प्रसार दुनिया भर में किया था। उन्होंने गौड़ीय मिशन की स्थापना की, जिसकी वजह से हरे कृष्ण एक जन आंदोलन बन गया। श्रीमद् भगवद गीता के प्रचार प्रसार के लिए भी स्वामी श्रील प्रभुपाद ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने इस्कॉन की भी स्थापना की। गौड़ीय भक्तों ने प्रधानमंत्री को आनंद संकीर्तन महामंत्र से भी सराबोर किया। वहीं प्रधानमंत्री ने गुरु श्रील प्रभुपाद जी के सम्मान में एक स्मारक टिकट और एक सिक्का भी आज जारी किया है। वहीं प्रभुपाद के अमूल्य योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन को ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के बीच संतुलन बनाया और उल्लास को जीवन से जोड़ दिया। प्रभु जैसी दैवीय विभूतियों समय के अनुसार किसी न किसी रूप से अपने कार्यों को आगे बढ़ाती रहती है। श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उन्हीं के संकल्पों की प्रतिमूर्ति थे। साधना से सिद्धि तक कैसे पहुंचा जाता है, अर्थ से परमार्थ तक की यात्रा कैसे होती है, श्री शील भक्ति सिद्धांत जी के जीवन में हमें पग पग पर ये देखने को मिलता है। आज राज्यसभा से कई सांसदों की विदाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जब भी लोकतंत्र की चर्चा होगी मनमोहन सिंह याद किए जाएंगे। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और
नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकसी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर तंज कसा और कहा कि आज देश समृद्धि के नए नए शिखर छू रहा है, एक भव्य दिव्य वातावरण बना है और उसको नजर न लग जाए इसलिए काला टीका लगाने का आज प्रयास हुआ है। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है उसको नजर न लग जाए इसलिए काला टीका करने का आज प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। विदेश मंत्रालय ने म्यांमार की स्थिति पर कहा, रखाइन स्टेट में स्थिति चिंताजनक है, जहां तक सुरक्षा की बात है तो कल वहां रहने वाले भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें भारतीय नागरिकों को वहां की यात्रा ना करने के लिए कहा गया है। मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया कि रखाइन प्रांत में रह रहे भारतीय फौरन किसी सुरक्षित जगह में चले जाएं। रखाइन स्टेट म्यांमार में वहाँ पर भी स्थिति थोड़ी चिंताजनक है जहाँ तक सुरक्षा का बात है, और हम लोगों ने कल एक एडवाइजरी निकाला था जो हम लोग वहाँ पर हमारे नागरिक हैं उनको हम कह रहे हैं कि आप वहाँ से निकल जाएं, और जो हमारे नागरिक वहाँ जाना चाहते हैं उनको कह रहे हैं, उनसे हमारी ये गुजारिश है कि आप लोग वहाँ ना जाएं क्योंकि वहाँ की स्थिति नाजुक है। वी डू हैव अ कॉन्सुलेट इन सितवे एज यू नो, द सिक्योरिटी सिचुएशन विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन आर कॉन्सुलेट एज वेल। वी आर लुकिंग एट द सिचुएशन एंड विल सी हाउ बेस्ट टू डील विद इट। वहीं कनाडा के चुनाव में भारत के हस्तक्षेप की बात को खारिज करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दूसरे देशों के मामलों में इंटरफेयर करना भारत की पॉलिसी नहीं है। वी हैव सीन मीडिया रिपोर्ट्स about Canadian Commission inquiring into foreign interference, and there have been some related developments as well. We strongly reject all such baseless allegations of Indian interference in Canadian elections. It is not Government of India's policy to interfere in democratic processes of other countries. In fact, quite on the reverse, it is Canada which has been interfering in our internal affairs. We have been raising this issue regularly with them. We continue to call on Canada to take effective measures to address our core concerns. आम आदमी पार्टी और विपक्षी गठबंधन पर भाजपा ने करारा हमला किया। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इंडी अलायंस भ्रष्टाचारियों का गठबंधन और कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। ये भ्रष्टाचार का दीमक जड़ से उखाड़ के खत्म कर दिया जाए। आज मीडिया में चिंताजनक खबर आई और यह भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य बनता है कि इस मंच से उसे पुरजोर तरीके से जो भी ताकत हमारी है हम उठाएं और उजागर करें। यह इंडी अलायंस है कि दीमक अलायंस है, भ्रष्टाचारी अलायंस है। मुद्दों के अकाल से जूझ रहा विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अब बेवजह विरोध प्रदर्शन का सहारा ले रहा है। आज केरल के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार की टैक्स नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इससे पहले बीते कल कर्नाटक सरकार ने भी प्रदर्शन किया था, जबकि केंद्र सरकार पहले ही हर बिंदु पर तथ्यों के साथ जवाब दे चुकी है। लेकिन राज्य के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और देश में उत्तर दक्षिण की विभाजनकारी राजनीति को हवा देने के लिए इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
केरल के मुख्यमंत्री के प्रदर्शन पर भाजपा का कहना है कि केरल के मुख्यमंत्री राज्य की जनता का असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केवल राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। इन्हें अपनी राजनीति को चमकाने के लिए देश को उत्तर दक्षिण में बांटने से भी गुरेज नहीं है। केरला इज डूइंग ए पॉलिटिकल ड्रामा अहेड ऑफ द इलेक्शंस। ड्यूरिंग द लास्ट 8 years ऑफ केरलास लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट विच केम टू पावर इन केरला सेइंग दैट वंस वी कम टू पावर एवरीथिंग विल बी सेट राइट। Now 8 years have passed, they are going to face the Lok Sabha elections. They have no achievements to their credit. So naturally they have to do something to shift the blame from their shoulders to somebody else's shoulders. So they have found a convenient place to shift that blame, that is to the government of India's blame. Always the DMK is think that north and south divide, and apart from that our finance minister Srimati Nirmala Sitharaman madam ne kaha, she told that we are giving the fund to the states accordingly for the rules. किसानों के प्रदर्शन को लेकर भाजपा सांसद जगदंबिका पाल का कहना है कि सरकार हमेशा किसानों की बात सुनती है, ऐसे में प्रदर्शन केवल राजनीति से प्रेरित लगता है। किसानों के आय को दुगना करने की बात किया, इतनी योजनाओं से जिस तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसी बजट में घोषणा हुई कि जारी रहेगी, कभी आज तक किसी सरकार ने, प्रधानमंत्री पहले मोदी जी हैं जिन्होंने किसानों के उनके खाते में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष देने का काम किया, और आज अगर है तो कौन सा इशू, जब सरकार हमेशा बात करती है, सरकार उनके खरीद की गारंटी लेती है, और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो 10,000 बनाने की बात कही थी, 8,000 FPO बन चुका है, तो इससे अब किसानों के हितों का तो पूर्णतया उसकी रक्षा होगी। और दूरदर्शन न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन है। SBI देश का फैन। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है, आज 2,000 डालोगे कल 4 मिलेगा, परसों 8 फिर 16, 32 फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। UPI कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आस पास के भोले को बचाएं। सर आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है, अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार, क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था, पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में, इजी सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया, आपने? ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां उत्तराखंड विधानसभा में पारित हुए समान नागरिक संहिता विधेयक को लेकर देश भर का आदिवासी समुदाय बेहद खुश है। आदिवासी समुदाय से जुड़े लोगों का कहना है कि उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि UCC में आदिवासियों की परंपराओं और रीति रिवाजों का सम्मान करते हुए उन्हें इससे बाहर रखा गया है। UCC कोड जो कि बना हुआ उत्तराखंड में, जो बिल पारित हो रही है, उसके लिए मैं सरकार से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि इसमें विशेषकर जैसा कहा गया विवाह को लेकर, संपत्ति को लेकर,
जायज और नाजायज संबंध को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, बच्चों की सुरक्षा को लेकर, ये सारी बातें जो कि जो ये बिल के अंदर आती है। और इसमें जिस तरह से तलाक की बात, तीन तलाक की बात कही गई है, इसमें महिलाओं को बहुत सुरक्षा प्रदान किया जाता है। और जैसा रजिस्ट्रेशन की बात किया जाता है, रजिस्ट्रेशन की बात किया जाता है रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप के लिए। और एक बात जैसा मैं कहना चाहूंगी कि विशेषकर महिलाओं को जो संपत्ति का अधिकार, जो कि पैतृक संपत्ति में उनका अधिकार नहीं मिलता था, ये अधिकार की बात यहाँ कही गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो अभी यूसीसी बिल लेके आ रहा है, इसके लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को धन्यवाद अभिनंदन जानना चाहता हूँ। इस बिल आने से पूरा देश में एक आयन एक देश ये चालू होगा। और हम लोग जो जनजाति लोग है, अभी हम लोग उसके समर्थन में सेंट्रल गवर्नमेंट को अभिनंदन जाना रहा है। कुछ की हमारा कुछ कस्टमरी लॉ है, उसमें ज़्यादा इफेक्ट ना हो, इसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किया है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम चर्चा में, सहयोगी प्रखर श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार।